अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने रूल्स ऑफ एक्सपेक्टेशन चैप्टर नंबर 7 रैंडम वेरिएबल में रूल्स ऑफ एक्सपेक्टेशन पढ़े हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के की डेफिनेशंस, ठीक है, उनकी एग्जांपल्स देखी। उसके बाद आज हम जो ना एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, लेट एक्स हैव द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेट एक्स हैज हैव अ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स है और प्रॉपर्टी ऑफ एक्स दिए हुए हैं आपको। एक्स है जी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इनकी प्रॉपर्टी है 0.05, 0.40 है, 0.10, 0.25, 0.05 और 0.15, ये प्रोबेबिलिटीज हैं और एक्स दिए हुए हैं आपको। इसमें आपने फाइंड क्या करना है? नंबर वन, फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस 4। नंबर टू है, वेरीफाई डैट एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस 3, ये आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हम निकालते हैं जी। देखिएगा, सबसे पहले x, x है आपके 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और प्रॉबर्टी ऑफ एक्स आपको गिवन है 0.05, 0.40, 0.10, 0.25, 0.05 और 0.15, ठीक हो गया। अब देखें, ये तो देखिएगा जी, हमारा जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है ये हमेशा इक्वल होगी सम ऑफ एक्स डॉट प्रॉपर्टी ऑफ एक्स के। तो देखें, हमें एक्स को प्रॉपर्टी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो सम होगा वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के इक्वल होगा। इसी तरह से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो आएगा सम ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है, ये वाला। और अगर ये हमने फाइंड करना है तो इसका फार्मूला एक्स प्लस 4 है, इसकी एक्सपेक्टेशन है तो सम ऑफ एक्स प्लस 4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो हमें ये फाइंड करने के लिए एक्स को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई पर करना पड़ेगा, एक्स स्क्योर को प्रॉपर्टी ऑफ एक्स के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसका सम लेंगे, एक्स प्लस 4 करके उसको प्रॉपर्टी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सम लेंगे, ठीक है। तो इस कॉलम में आ जाएं, एक्स
एक्स डॉट प्रॉबर्टी ऑफ एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे क्योंकि ये एक्स है और ये प्रॉबर्टी एफ एक्स है। तो पहला आपके पास 0.05 वन से मल्टीप्लाई करना है ना, इसको टू से मल्टीप्लाई करना है 0.80, थ्री से 0.30, फोर से 1.00, इसको फाइव से मल्टीप्लाई किया तो 0.25, 0.90, इनको मल्टीप्लाई करके आपने लिख दिया। ठीक है, प्रॉबर्टी का सम आपको पता है कि हमेशा ऑलवेज इक्वल टू वन, इसका सम करें आपने कैलकुलेटर से, इसका सम करना है तो ये मेरे पास आ रहा है 3.3। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जी, अब हमने ये वाली चीज के एक्स का स्क्वायर करना है और उसको प्रॉपर्टी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है, वन का स्क्वायर वन, इसको 0.5 से, इधर मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर डॉट प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, तो वन का स्क्वायर वन, इसको जब हम 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन से मल्टीप्लाई होगी 0.05 ही आएगा, टू का स्क्वायर फोर, फोर को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1.60 आ जाएगा, टू का स्क्वायर फोर, फोर को 0.40 से मल्टीप्लाई किया तो 1.60, थ्री का स्क्वायर नाइन, तो इसको 10.0.90 जी आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे, फोर का स्क्वायर एट, सॉरी 16, फोर फोर जर 16, 16 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, इसको 0.05 से मल्टीप्लाई करें तो 1.25 आ जाएगा। सिक्स का स्क्वायर 36, इसको मल्टीप्लाई करें 0.15 से तो आपके पास 5.40 आएगा, 5.40। फिर आपने इसका भी सम कर लेना है, कैलकुलेटर से इन सभी वैल्यू को ऐड करें तो ये मेरे पास सम आ रहा है 13.2। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसमें आपने x प्लस फोर डॉट प्रॉपर्टी ऑफ x करना है, तो सबसे पहले आप x प्लस फोर बनाएंगे कॉलम, फिर x प्लस फोर इंटू प्रॉपर्टी ऑफ x जो है ना आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस फोर करें, 1 प्लस फोर फाइव, 2 प्लस फोर सिक्स, 3 प्लस फोर सेवन, 4 प्लस फोर एट, 5 प्लस फोर नाइन और 6 प्लस फोर टेन। अब ये जो कॉलम आपके पास आ चुका है, ठीक है ना, ये x प्लस फोर का ये कॉलम आपके पास कैलकुलेट हो चुका है, इसको प्रॉपर्टी ऑफ x 0.5, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये आपके पास 0.25 आ जाएगी प्रॉबिलिटी मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक है, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 0.40 करेंगे आपके पास 2.40 आ जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाय 0.10, तो 0.70 आ जाएगा ये। उसके बाद 8 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो ये आपके पास 2.00 आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा जी, 9 है, 9 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.05 से, ठीक है, इस कॉलम में 9 और यहां से 0.05, 9 को जब आप 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.45 आपके पास आंसर आ जाएगा। लास्ट में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.15 से तो ये 1.50 आपके पास आंसर आएगा। ठीक हो गया जी, अब आपने इस कॉलम को भी ऐड कर लेना है, तो इसका सम मेरे पास आ रहा है 7.3। ठीक है जी, अब देखें इसी कॉलम में हम इसको भी कर लेते हैं, देखें जो सेकंड पार्ट है इसमें 2x+3 का कॉलम आप पहले बनाएंगे, 2x+3, ठीक है,
फिर 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई आप कर देंगे प्रॉबर्टी ऑफ x के साथ, तभी जाके वो एक्सपेक्टेशन के इक्वल आएगा। ठीक है जी, अच्छा देखें जी, x की हर वैल्यू को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और 3 बीच में ऐड कर देना है। x की वैल्यू 1, 1 2 2 प्लस 3 5, x की वैल्यू 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 2 4 प्लस 3 7, 3 3 2 6 यहाँ पे 3 रखेंगे ना x की जगह पे, 3 2 6 6 प्लस 3 9, फिर यहाँ पे 4 4 2 8 8 प्लस 3 11, 5 5 2 10 10 प्लस 3 13, और 6 2 12 12 प्लस 3 15। अब ये वाला कॉलम है और ये प्रॉपर्टी ऑफ एक्स का कॉलम है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें आप तो आपके पास ये कॉलम बन जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 0.05 तो आपके पास क्या आएगा, 0.25 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद देखें 0.40 मल्टीप्लाई बाय 7, 0.40 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.80, फिर 0.10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.90, 11 को मल्टीप्लाई कर दें आप 0.25 से तो आपके पास 2.75, 13 को मल्टीप्लाई कर दें आप 0.05 से तो आपके पास 0.65, 15 को मल्टीप्लाई कर दें आप 0.15 से तो 2.25। ठीक है जी, और इसका सम आप करेंगे ऐड करेंगे तो ये मेरे पास आ रहा है 9.6। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन की इन वैल्यूज को फाइंड करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा जी, ये देखिए पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ये होता है सम ऑफ एक्स डॉट प्रॉबर्टी ऑफ एक्स, सम ऑफ एक्स डॉट प्रॉबर्टी ऑफ एक्स आपके पास आ रहा है 3.3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.3 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का। अब आपने फाइंड करना एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इक्वल होता है सम ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट प्रॉबर्टी ऑफ एक्स के, तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट प्रॉबर्टी ऑफ एक्स इसका सम, इस कॉलम का सम आ रहा है आपके पास 13.2, तो इसका आंसर आ जाएगा 13.2। ठीक है, उसके बाद इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस 4, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्स प्लस 4 डॉट प्रॉबर्टी ऑफ एक्स, तो सम ऑफ एक्स प्लस 4 डॉट प्रॉबर्टी ऑफ एक्स ये वाला कॉलम, इसका सम आपके पास आ रहा है 7.3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7.3। अब नेक्स्ट देखिएगा सेकंड जो पार्ट है इसमें वेरिफिकेशन है, तो इसके लिए आप लेफ्ट हैंड साइड जो है एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x प्लस 3, तो बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x प्लस 3 ये आपके पास सम ऑफ 2x प्लस 3 डॉट प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, तो इस कॉलम का सम देखें तो आ रहा है 9.6। ठीक है, अब राइट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड देखें तो वह है एक्सपेक्टेशन ऑफ इसकी राइट हैंड साइड हम करते हैं, जी बेटा जी राइट हैंड साइड है 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस 3, ठीक है 2
टू, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का आंसर आपके पास क्या आया ये देखें, 3.3, तो इसकी जगह पे रखें 3.3 प्लस 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6.6 प्लस 3 9.6। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया है, तो आपके पास ये भी प्रूव हो गया। तो ये था एक क्वेश्चन जिसमें हमने 1, 2, 3 और ये 4 चीज़ें निकालनी थी। तो यहाँ से आपने एक चीज़ सीखी है वो ये कि अगर किसी भी वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन निकालनी हो, जैसे कि वेरिएबल एक्स की मैं कहता हूँ या वाई की, लेट्स सपोज वाई की एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई मैंने फाइंड करनी है, तो आएगा सम ऑफ वाई डॉट प्रॉबलिटी ऑफ वाई, कि उसको उसकी प्रॉबलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो सम आएगा उसके इक्वल उसकी एक्सपेक्टेशन होगी। ठीक है जी, ये था एक क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें हमने एक्सपेक्टेशन के रूल्स को भी फॉलो किया और एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं वो भी सीखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो है ना वो एमसीक्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।